उठता हूँ मैं। तो मेरी योगा क्लास का टाइम हो गया भाई, मैंने कहा यार मैं क्लास करवा के फिर उसके बाद देखता हूँ कुछ खाने का, फिर तो अब लंच ही हो पाएगा क्योंकि क्लासों के बाद तो कहाँ टाइम मिलेगा भाई। तो बस आज का तो ऐसे ही हो गया भाई, चलता है भाई लाइफ में ऐसा होता रहता है, आप लोगों के साथ भी होता होगा तो नॉर्मल सी बात है। और यहाँ पे टैक्सी वाले को बोला मैंने कहा भाई छोड़ दो मुझे मेरे एड्रेस पे, तो बोलते हैं कि मुझे पता नहीं है कहाँ पे। कई बार होता है कि सिटी से दूसरी सिटी की टैक्सी यहाँ तक आ जाती है, फिर इनको भी होता है कि एड्रेस यहाँ पे लोकल पता नहीं होते हैं। चेगा अच्छा मैं हो नहीं था यूज वहाँ, तो इसको बता दिया मैंने कहा भाई देखो यहाँ यहाँ पे कैसे जाना है, एड्रेस मैंने ऑनलाइन बुक नहीं की ना टैक्सी, अगर ऑनलाइन बुक कर दे फिर तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अभी मुझे यहाँ लोग पूरे सिटी का सारे रास्ते पता है यार, 6 साल यहाँ पे हो गए हैं, 2 साल शंघाई में था, तो इस सिटी की जानकारी तो मुझे ज़्यादा है, तो इसलिए फिर वही है जब टैक्सी में बैठते तो रिलैक्स होकर बैठता हूँ। तो अच्छा हाँ यहाँ पे एंट्री हो चुकी है कंपनी में, इस तरीके का है हमारे यहाँ पे कुछ। अभी एक मिस्टेक हो गई थी सुबह सुबह कि टैक्सी में बिना पेमेंट किए मैं उतर गया। हेलो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा मेरे दोस्त की एक साइट वन विन के बारे में जिसमें मैं डेली पैसे कमाता हूं, और इसमें मेरा सबसे फेवरेट जो गेम है वो है द लकी जेट गेम। और दोस्तों इसमें एक सिंपल सा टास्क रहता है, आपको जो है पायलट के उड़ने से पहले जो है मनी कलेक्ट करनी होती है। मेरे अकाउंट में ऑलरेडी 6,000 रुपीज डिपॉजिट है, और दोस्तों अब मैं यहाँ पे बेट लगाऊंगा और गो डॉट्स का वेट करूंगा। वाओ गाइस 2x यहाँ पे 8,120 रुपीज, चलो गाइस और खेलते हैं। वाओ यहाँ पे देख सकते हैं आप 1.8x, और यहाँ पे मैं जीत गया 7,560 रुपीज जीत गया। आज दिन बहुत अच्छा है, चलो मैं थोड़ा और ट्राई करता हूँ, खेलूंगा अभी और खेलूंगा। और यहाँ पे 1.9x से मैं जीत गया दोस्तों। आज का दिन बहुत अच्छा रहा, बहुत लकी रहा, और मनी विड्रॉ करता हूँ। मनी विड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको तो अपना अकाउंट जो है लॉगिन करना पड़ेगा, और मेथड आप जो है अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। दोस्तों ये जो साइट है काफी ट्रस्टेबल है, मेरे दोस्त की साइट है, इसमें विड्रॉ भी इजी हो जाता है, आप पेटीएम के थ्रू पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, और इसमें तो नो वेरिफिकेशन विदाउट वेरिफिकेशन है, सिंपल सा रजिस्ट्रेशन है। और अगर आप हमारा प्रोमो कोड यूज करते हैं तो 25,000 रुपीज तक आपको जो है फर्स्ट डिपॉजिट में मिल जाते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप चाहें तो वहां पे जाके जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों यहां पे मैं कितना जीत चुका हूं आज, तो मैं जीत चुका हूं आज काफी अच्छा खासा एक अमाउंट। दोस्तों आज किस्मत बहुत अच्छी रही है, पैसे भी मेरे अकाउंट में आ चुके हैं, आप लोग यहां पे देख सकते हैं। मैंने रोज तो मैं टैक्सी ऑनलाइन बुक करता हूं, ठीक है, अपना वीचैट से बुक करता हूं तो पेमेंट वहीं से कट जाता है, लेकिन आज मैंने ऐसे ही रोड पे खड़ी थी, मैंने कहा बैठा दो पहुंचा दो मुझे, तो पहुंचा दिया उसने। तो मुझे आदत पड़ी भी यार कि ऑनलाइन पेमेंट हो जाती है, मैं उतर गया बोलता भाई जी पेमेंट तो कर दो भाई साहब पेमेंट किए बिना ही जा रहे हो, मैंने कहा यार सॉरी भाई, सुबह सुबह बेचारे को पेमेंट का घाटा हो जाता है। ये लिफ्ट कुछ बंद ही नहीं हो रही है, कुछ खराबी आ गई लिफ्ट में शायद, बाहर निकल जाता हूँ ये लिफ्ट ख़राब हो गई भाई। कई एक बार हुआ मेरे साथ ना, ऐसे लिफ्ट में बैठ गया मैं और भाई वो लिफ्ट जो है ना एकदम से नीचे गिरी। मेरे बैंक का कार्ड बंद हो गया यार, इसलिए मैं आया बैंक के, मैंने कहा इसको ठीक करके दो भाई। ये देखो भाई चीन के बैंक, और ये है भाई चाइना की बसें जो कि इलेक्ट्रिक हैं, और स्नोफॉल यहाँ पे नॉर्थ चाइना में तो हमेशा रहता ही है। ये देखो भाई वो रहे बैंक, पूरी लाइन में बैंक हैं भाई सारे, और ये देखो भाई यहाँ पे रोड पे हर जगह कैमरे की पूरी व्यवस्था है, कोई भी कांड करके भागना चाहे भाई वो तो पॉसिबल नहीं है। और अब दिखाता हूँ चाइना के बस स्टैंड कैसे होते हैं, ठीक है भाई देखो। इसमें जो है दोनों साइड पे तो प्रमोशन चलती रहती है, और यहाँ पे ये बैठने की जगह है, बस यहाँ पे आके रुकती है 2-3 मिनट के लिए और फिर तब आगे जाती है। और ये रहे भाई यहाँ के हाई टेक एक्सप्रेस वे जो ऊपर जा रहे, और इस लाइन में यहाँ से पूरे भाई साहब 1 किलोमीटर तक बैंक ही बैंक है। अच्छा वो बात तो बताना भूल गया मैं आपको, तो मेरा जो है बैंक वालों ने अकाउंट बंद कर दिया था भाई, ठीक है,
कि बोला इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं कर रखी आपने, 7 से 8 साल आपको चाइना में हो गए, एक ही बार इंफॉर्मेशन दी उसके बाद अपडेट नहीं करवाई आपने। मुझे बैंक वालों का मैसेज भी आया था भाई, पर मुझे पता नहीं लगा क्योंकि वो चाइनीज़ में आया होगा मेरे, मैं डिलीट कर दिया, मुझे क्या पता कि क्या लिखा है इसमें चाइनीज़ में। फिर इन्होंने कार्ड मेरा बंद कर दिया, मुझे पैसों की ज़रूरत थी, मैं जैसे ही लगाया अपना ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र ना हो पैसे, मैं ATM में गया, कहा चलो वहीं से कार्ड से लगाता हूँ, कार्ड से भी ना हो, मैं बैंक में गया, भाई साहब मैं आज 2 सर्विस एक्टिवेट करवा गया, एक तो पैसे जब भी ट्रांसफ़र होंगे तो मेरे फ़ोन में मैसेज आएगा, वो तो सबको पता ही है, दूसरा मैं कहा मेरे को ऑनलाइन ऐप का जो है वो एक्टिव करके दो, ठीक है, और तीसरा जो मेरे जो इंडिया के बैंक अकाउंट हैं या टैक्स के नंबर हैं वो सब इंफॉर्मेशन मैं इन्हें जमा करवा के आया हूँ, और जो कि देना पड़ता है भाई कि आप टैक्स पे कहाँ कर रहे हो मेरे भाई, चाइनीज़ लैंग्वेज, अगर चाइनीज़ लैंग्वेज नहीं आती बस फिर तो मतलब ये मान लो आपका तो भट्ठा बैठ गया फिर, वो हो भाई चाइनीज़ लैंग्वेज नहीं आने के इतने नुकसान है यहाँ, वो पता ही नहीं चलता, फिर वो फ़ोन में लिख के बोल के ट्रांसलेट करते हैं, बात करते हैं, वो बंदा कन्फ्यूज़ हो जाता है, वो पूरा स्टाफ कन्फ्यूज़ होता है, उसके साथ साथ आप भी कन्फ्यूज़ हो रहे हो। तो भाई जब भी कभी चाइना आओ तो मेरे भाई चाइनीज़ सीख के आओ, अगर आप चाइना में रहते हो, अगर आपका यहाँ पे सेटलमेंट है, यहाँ पे बिजनेस व्यापार है, तो फिर तो बढ़िया तरीके से आपको चाइनीज़ आनी चाहिए। बैंक वाले यहाँ के क्या होते हैं, बहुत सपोर्टिव होते हैं, पूरी कोशिश करते हैं आपको सपोर्ट करने की, लेकिन जब आपको बिल्कुल ही समझ ना आए भाई तो दिक्कत हो जाती है, क्योंकि बैंक में लोगों को यहाँ इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं आती, अब बैंक में जो जॉब करेगा तो उसको चाइनीज़ बढ़िया आती है, ठीक है, कंप्यूटर का नॉलेज बढ़िया रहता है, अब उसकी इंग्लिश थोड़ी ना इतनी बढ़िया होगी। अगर आप चाइना में जॉब कर रहे हो या फिर जो भी है आपका बैंक अकाउंट चाइना में, तो अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है टाइम टू टाइम अपडेट रखो। और भाई साहब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, पहले जो है मेरे बैंक अकाउंट में लिमिट थी कि साल में आप 20-25 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर सकते हो, उससे ज़्यादा हो गया तो आपको जो है फिर बैंक का कार्ड जो है रोक दिया जाएगा। आज बोला कितनी लिमिट, बोला आपकी लिमिट जो है 1 करोड़ रख सकते हैं, बोला साल में जो है 1 करोड़ का हो जाता है आना जाना। मैं कहा भाई साल में 1 करोड़ रुपये की लिमिट आप मुझे दे रहे हो, मैंने कहा नहीं नहीं इतने तो पैसे होते ही नहीं मेरे पास, इतने पैसे कहाँ मैं किसको ट्रांसफ़र करूँगा, मैं 1 करोड़ रुपये तुम बोल रहे हो, बोलते कि आपका लिमिट हमने साल में रख दिया 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में, ठीक है, अगर आप एक साल में इतना पैसा ट्रांसफ़र करते हो इंडिया या कहीं भी किसी भी चाइना में, तो आपको जो है अकाउंट जो है बंद नहीं होगा। अब मैं हैरान हो गया, 1 करोड़ रुपये सोच के मगा यार भाई इतने पैसे पहले कमा तो लूँ। तो भाई ये थी आज की कहानी, यहाँ पे बस मेन मुद्दा वही है दोस्तों, अगर चाइना आ रहे हो भाई तो पहली बात नॉर्थ चाइना ना आ जियो भाई, यहाँ ना आ जियो भाई, इतनी ठंड है, साल में जो है आधा साल यहाँ ठंड रहती है भाई, देख लियो बर्फ़ पड़ी रहती है, तूफान बर्फीले तूफान आते हैं यहाँ, तो बहुत बुरी हालत हो जाती है। लेकिन हाँ ये है भाई कि घर के अंदर यहाँ पे पूरी बिल्डिंग जो है, जितनी बिल्डिंग आप देख रहे हो ये मतलब ऑटोमेटिक है, हीटेड है, सबके अंदर सिस्टम लगे हुए हैं, अंदर जाओगे जो फ्लोर होता है ना नीचे जो पड़ा होता है फर्श, उसके अंदर कुछ पाइपें डालते हैं, फिर उसके ऊपर बजरी रहता है जो डालते हैं वुडन फ्लोरिंग, लेकिन उसके अंदर जो पाइपें होती हैं ना उसके अंदर गर्म पानी चलता है, ऐसी कुछ टेक्निक इनके पास है। तो भाई पूरे जितनी बिल्डिंग है बाहर का टेम्परेचर -30 डिग्री होगा, अंदर का टेम्परेचर +30 डिग्री होगा भाई, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहाँ हो रहा बढ़िया तरीके से मेरे दोस्तों। और भी अगर चाइना से रिलेटेड भाई आपका कोई सवाल हो तो पूछ लियो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। अरे मौज आ गई भाई, मौज आ गई, मेरे काम बन गए आज, अदरवाइज आज छुट्टी भी थी मेरे पास, टाइम भी था, योगा क्लासेस भी कम थी, काम निपट गए। ये देखो भाई ये है इनके बैंक चाइना वालों के, ये देखो भाई ये बैंक है पूरा, ये बिल्डिंग एक बिल्डिंग, और ये भी पूरी बिल्डिंग बैंक की है भाई, ऊपर से नीचे तक एक बैंक, और उससे आगे जो वो बिल्डिंग है वो भी बैंक की बिल्डिंग, देखो भाई 1 2 ये पूरे बैंक है यहाँ। चाइना के बैंक के अंदर जब आप जाते हो ना तो भाई आपका वेलकम ऐसे होता है, लोग आगे पीछे ऐसे मतलब घूमते हैं आपके, ऐसे लगता है भाई पूरी दुनिया का सबसे अमीर आदमी मैं ही हूँ, सही बता रहा हूँ भाई। आपको तो पता ही है, कभी आप चले जाना इंडिया में अपना SBI के बैंक में, मैं 3 साल से चाइना में हूँ, मेरे SBI के बैंक में कुछ पैसे पड़े थे, मैंने उनको मेल करी, मैं कहा भाई इसको जो है FD में कर दो, मुझे कम से कम इंटरेस्ट रेट तो मिलेगा, और उल्टा सीधा रिप्लाई दे रहे भाई, ना हेल्प नहीं करते वो। उसके बाद मैंने जो है प्राइवेट बैंक ICIC वालों को मेल करी, मैं कहा जी ऐसे करना है, बोला जी अपना नंबर भेजो, नंबर भेजा,
उन्होंने अपने मैनेजर का नंबर भेजा कि बात करो इससे। ये देखो भाई, लोग कह रहे हैं कि चाइना में कोरोना बहुत फैला हुआ है, बहुत बुरा हाल है। तो ये देखो भाई, यहाँ पे लाइफस्टाइल कैसा चल रहा है भाई, देख लियो, खुद ही देख लो भाई। ये बढ़िया भाई, नीचे से भी सड़क चल रही, ऊपर से भी सड़क, और लाइटें देखो भाई साहब, इन इस ब्रिज के नीचे भी लाइटें हैं। चलो जी, अब तो रोड क्रॉस कर ही सकते हैं पैदल पैदल। ये देखो मेरे दोस्तों, ये देखो, इसीलिए यहाँ पे क्राइम नहीं होते हैं। देखो भाई, इतने सारे कैमरे हर सेकंड फोटो क्लिक कर रहे हैं, हर सेकंड। बताओ यार, तो जितने दूर तक वहाँ तक की रेंज होती है इसकी, आधा किलोमीटर तक की। अगर कोई भी गाड़ी गलती से आगे निकल गई, उसका चालान तो पक्का ही है। हाँ, और चालान भी बिल्कुल ठोक के। ये देखो भाई, जप जप की लाइट देख लो, मतलब इतनी फास्ट फोटो क्लिकिंग होती है यहाँ पे। आज बर्फ कम होगी भाई, यहाँ पिघलगी बर्फ पिघलगी। ये तो शहरों की बात है मेरे दोस्त, बाहर पहाड़ों में तो बहुत ज़्यादा बर्फ है, ये तो सिटी का एरिया पूरा। अच्छा एक बात मेरे भाई, ये तो फिर भी शाम का टाइम है, ठीक है, रात को अगर आप 12 बजे भी आओगे ना, तो भाई ऐसा ही देखने को मिलेगा, ऐसा रात को 12-1 बजे। यहाँ पे अंधेरे वाला जो फील होता ना, कि अंधेरा हो गया, अकेले कैसे जाएंगे या आएंगे, ऐसा नहीं है, यहाँ तो ऐसे ही रहेगा पूरा दिन। एक इंडिया से फ़ोन आ रहा भाई का बार बार, क्या ही बताऊँ यार, इसको भी हेल्प की ज़रूरत है, परेशान हो गया यार भाई मैं भी। और राम राम भाई, जय शंकर, जय श्री राम, हर हर महादेव। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को फैमिली फ्रेंड्स सारे ग्रुप में शेयर करना है, अपने भाई के चैनल को ऐसे सपोर्ट करते रहना है, ठीक है भाई, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, और कहां से आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, अपने शहर, अपनी सिटी, अपने गांव का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल इंडियन इन चाइना को ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को फैमिली फ्रेंड्स सभी ग्रुप्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट।